हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने कुछ शॉपिंग की है अपने समर सीज़न के लिए, कुछ प्लांट्स और थोड़ी सी प्लांट्स आए थे यहाँ पर। तो उनमें से पहला है ये जैस्मिन का प्लांट है फ्रेंड्स। इसमें सफ़ेद फ्लावर्स आते हैं, खुशबू नहीं रहता है इसमें, ये साल भर आता रहता है। इसको मैंने कई बार लगाया था लेकिन मैं उसको ज़्यादा धूप की वजह से या कुछ गोबर की वजह से वो ख़राब हो जाता था। इस बार मैं ट्राई करूँगी। और मैंने एक अडेनियम का प्लांट लिया है। सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके पास अडेनियम का प्लांट नहीं है, तो इस बार मैंने एक अडेनियम का ले लिया है। कई बार आता था तो बहुत महंगे में आता था, 500-600 में, मैं ऐसे नहीं लेती थी। और ये मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है, तो इस बार ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ में। काफ़ी छोटा प्लांट है और इसका कॉटेक्स भी बहुत ही अच्छा है, तो मुझे सोचा इसको ले लूँ। ये तब तक बड़ी हो जाएगी मेरे सीडलिंग वाली, तब तक ये फ्लावरिंग मुझे देता रहेगा। तो उसके बाद ये एक लिया है मैंने, वोडेनियम का पिंक कलर में है ये, और ये भी कनेर का भी मैंने पिंक में ही लिया है, सिंगल पेटल वाला है। बड़ा पेटल में वाला मेरे पास वाइट और पिंक में है, तो इस बार मैंने सिंगल पेटल में लिया है। उसके बाद एक अलवंडा का बेल प्लांट मैंने लिया है, तो इसमें अभी फ्लावर देखिए इस तरह से, शाम का टाइम है तो ये सूख रहा है, बंद हो रहा है, तो इसमें अभी बर्ड्स भी हैं। तो इसके साथ एक स्टिक अटैच थी जो मेरी बेटी लेकर गई है, तो उसके ऊपर ऐसा ठहरता है। तो इन सबको मैं शायद अभी पॉट में लगा दूंगी, मेरे पास कुछ पॉट्स खाली हैं। तो उसके अलावा और एक मैंने लिया है ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट भी अच्छा लगा, ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है यहाँ पर और ब्रांचेस भी मुझे अच्छी लग रही है। जो इस तरह से स्टिक यहाँ पर लगा हुआ है सारे प्लांट्स में थे, तो मेरी बेटी लेकर गई है। तो फिलहाल ये रेड कलर की मिट्टी में लगा हुआ है जो मुझे बहुत हार्ड लगती है ये मिट्टी, तो इस सबको मैं निकाल कर धोकर मैं अपने गार्डन मिक्स जो भी मैं सॉइल बनाती हूँ उसमें मैं लगाती हूँ। तो ये मेरा शॉपिंग है आज का। उसके साथ साथ देखिए ये मैंने एक पान का बेल भी लिया है, ये नीचे ही रखा है मैंने क्योंकि धूप में ये नहीं चलेगा, इसको कोल्ड वातावरण में मैं लगाऊंगी, तो फिलहाल मैंने यहीं पर लगा है। अडेनियम को एक 100 रुपीज़ में और सब बाकी जितने भी प्लांट्स हैं वो सब मैंने 50-50 रुपीज़ में ख़रीदा है। और फ्रेंड्स ये सब आपको शो करने के बाद मैंने लगातार इसमें काम किया, सभी पॉट्स जो भी मेरे पास खाली थे कुछ प्लांट्स को मैंने लगा दिया। अभी भी उस टाइम आपने देखा वो ब्लीडिंग हार्ट वाला प्लांट था, उसको भी मैंने रिपोर्टिंग कर दिया, उसका पॉट टूट गया था। कल शाम में मैंने ये काम किया है, करते करते मुझे रात हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। ये अपराजिता का कनेर का यहाँ पर लगाया है मैंने, और यहीं पर अडेनियम का एक मेरे पास बोनसाई पॉट था उसमें मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए मेरा आलमंडा का है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत थी तो मैंने इसको यहाँ पर बेल यहाँ पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। तो इतने सारे काम मैंने कल कर दिया है देखिए फ्रेंड्स। और कुछ पॉट्स जो भी खाली है, जो पौधे मेरे फ्लावरिंग हो चुके थे उन सबको मैंने हटा दिया था, कुछ पौधे मैंने कल और इसमें मैंने लगा दिए हैं। तो अभी धीरे धीरे कर मैं इन सबको सेट करूंगी मैं अपने गार्डन के पॉट्स को, क्योंकि अभी मुझे धूप आते ही, मतलब धूप के टेम्परेचर ज़्यादा होने से पहले मैं इन सबको सेट कर मैं शेड एरिया में रखूँगी। तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ पॉटिंग और रिपोर्टिंग करने में ही मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने गार्डन का कुछ काम मैं आपसे साथ शेयर करूँगी। तो यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो, तो बाय।